सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम् ई गुरुकुलम् प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, आज हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की कक्षा 49 को पढ़ेंगे, 49 को पढ़ेंगे, और यह कारक प्रकरण हमारा चल रहा है। ठीक है, ये कारक प्रकरण हमारा चल रहा है तो समाप्ति की ओर है। मित्रों, अभी तक हमने आपको 48 क्लासेस पढ़ा दी हैं, 48 कक्षाएं, और इन सभी कक्षाओं को संपूर्ण इस कारक प्रकरण को, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का यह जो कारक प्रकरण है, विस्तार से जो आचार्य भट्टोजी दीक्षित महाराज जी द्वारा लिखा गया है, विस्तृत व्याख्या वार्तिकों के साथ में उसका व्याख्यान, सबको मैंने विस्तार से पढ़ाया है स्मार्ट बोर्ड पर। तो मित्रों, जो भी महानुभाव संस्कृत प्रेमी अथवा संस्कृत के प्रौढ़ विद्यार्थी अथवा अध्यापकगण, प्रोफेसर, लेक्चरर, आचार्यगण, शास्त्री, जो भी महानुभाव इस पूरे कोर्स को पढ़ना चाहते हैं, ये ऑनलाइन कोर्स बना दिया गया है आपके लिए, अब ऐप के अंदर उपलब्ध है। ये देववाणी संस्कृतम एक ऐप है, इसका इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं मित्रों। और यदि कोई आपको सर्च करने में कठिनाई होती है तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम हरिद्वारम का, वहां पर आप संपर्क करके इसका लिंक लेकर के डाउनलोड करके ऐप के अंदर इन कोर्सेस को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये एक ऐसी ऐप बनाई गई है जिसके अंदर मैं इसके भिन्न भिन्न प्रकरणों के, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, प्राचीन व्याकरण और नव्य व्याकरण, तर्क संग्रह आदि जो भी शास्त्रीय विद्यार्थियों के लिए सहयोगी विषय वस्तु है उसके कोर्स बना रहा हूं। ये यूनिक ऐप है और ये कॉलिंग नंबर दिया गया है मित्रों, यहाँ पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल है, आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, नंबर टॉप पर आ जाएगा, देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल, वहां पर भी आपको ये कक्षाएं उपलब्ध हैं। तो मित्रों आइएगा, और ये आपको यदि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पुस्तक आपको यदि घर पर बैठे बैठे चाहिए, यदि मंगानी है किसी भी पाठक को, तो आप इस पर संपर्क करके इस पुस्तक को भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं, घर पर बैठे बैठे मंगा सकते हैं। चलिए मित्रों, अब मैं पढ़ाना आरंभ करता हूं, जो कक्षा में हमने आपको पढ़ाया था उससे आगे पढ़ेंगे। तो मित्रों, मैंने गत कक्षा में आपको यह अंतिम सूत्र पढ़ाया था, सप्तमी पंचम्यऊ कारक मध्ये, विस्तार से मैंने समझा दिया था आपको उदाहरण सहित। अब इसके आगे आचार्य भट्टोजी दीक्षित महाराज जी कहते हैं, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी सूत्र संख्या है आपकी 644, सूत्र है अधीरीश्वरे, अष्टाध्यायी सूत्र संख्या है, प्रथम अध्याय के चौथे पाद का ये 97 सूत्र है, अधीरीश्वरे। ठीक है, इसके अंदर पदच्छेद देखेंगे तो क्या है, ये अधीर आधे, ये प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है, और ईश्वरे ये सप्तमी विभक्ति एक वचनांत है। ठीक है, सरल है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, कोई समास नहीं है इसके अंदर, बस यही है। और इस सूत्र में ऊपर से अनुवृत्ति आती है, कर्म प्रवचनिया और निपाता, कर्म प्रवचनिया निपाता की इसमें अनुवृत्ति आती है। ठीक है, मैं अष्टाध्याय में आपको दिखला देता हूं जिससे आपको स्पष्ट हो जाए। ये देखिएगा, ये सूत्र है आपका अधीरीश्वरे। ठीक है, इसमें ऊपर से यहां से ये सूत्र है आपका कर्म प्रवचनिया, यहां से कर्म प्रवचनिया चल रहा है, और पीछे से निपात निपात चल रहा है, यहां से आपका ये प्रागरीश्वरान निपाता, ये निपाता चल रहा है। इस दोनों सूत्रों से दो की अनुवृत्ति आती है, निपात और कर्म प्रवचनी, इसका अर्थ हुआ ये जो ये सूत्र है ये क्या है, अधि की
कर्म प्रवचनीय और निपात संज्ञा करता है और गति संज्ञा को रोकता है। ठीक है, आइएगा अब हम अर्थ देखते हैं। कहते हैं आचार्य भट्टोजी दीक्षित महाराज, स्वस्वामी संबंधे अधि कर्म प्रवचनीय संज्ञा स्यात्। क्या कहा? स्व जहां पर जो ईश्वर शब्द है ये क्या है? ईश्वरत्व का वाचक है। किसका? ईश्वरत्व का वाचक। ईश्वरत्व का वाचक का अर्थ है कि ईश्वर माने मालिक, मालिक और सेवक, माने स्वामी और सेवक, माने स्व और सेवक, स्व और स्वामी, स्व और स्वामी के संबंध को बताने वाला है। स्व का स्वामी के साथ संबंध और स्वामी का स्व के साथ संबंध अर्थ को कहने में यहां ईश्वर शब्द ईश्वरत्व में पढ़ा गया है। ठीक है, इसलिए क्या कहा? स्व स्वामी संबंधे अधि कर्म प्रवचनीय संज्ञा स्यात्। माने जहां पर स्व और स्वामी का संबंध ज्ञात हो रहा है, अवगत हो रहा है, अधि उस अर्थ में विद्यमान अधि के द्वारा, तो उस अधि की क्या हो जाएगी? कर्म प्रवचनीय संज्ञा वाला वो हो जाएगा। निपात संज्ञा भी होती है, निपात संज्ञा का यहाँ कोई कार्य नहीं है इसलिए नहीं बताया, और गति संज्ञा का बाद हो जाता है। गति संज्ञा मतलब कर्म प्रवचनीय संज्ञा जिसकी हो जाती है उसकी गति संज्ञा रुक जाती है। तो अब देखिएगा ये सूत्र, इतना आपको ध्यान रखना है, अधि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है कब? जब स्वस्वामी संबंध में अधि वर्तमान हो। तो इसका उदाहरण आगे देखेंगे। ठीक है, इसका प्रयोग अब आगे सूत्र है, आगे सूत्र है 645। सूत्र है आपका, यस्मादधिकं यस्य चेश्वर वचनं तत्र सप्तमी। द्वितीय विभक्ति ये दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का ये नौवां सूत्र है अष्टाध्यायी में। तो आइएगा इसका पदच्छेद में आपको एक बार दिखला देता हूं और एक समास है इसके अंदर वो दिखला देता हूं, फिर आपको इसका अर्थ बताऊंगा। देखिएगा पदच्छेद है इसका यस्मात्, पंचमी विभक्ति एक वचनांत है, अधिकम प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है, यस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनांत है, च अव्ययपद है, ईश्वर वचनम प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है, तत्र ये अव्ययपद है, सप्तमी ये प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है, समास इसके अंदर एक समास है, ये समास देखिएगा, ईश्वरस्य वचनम ईश्वर वचनम षष्ठी तत्पुरुषः, माने ईश्वर का वचन, ईश्वर का कथन करने वाला जो भी है। ईश्वर का अर्थ भी यहां पर भी ईश्वरत्व है, स्वस्वामी संबंध। तो ये तो इसका सामान्य हुआ, पदच्छेद व्यक्ति हुई। अब आइएगा इसका अर्थ देख लेते हैं। आचार्य भट्टोजी दीक्षित महाराज कहते हैं, देखिएगा अर्थ इसका, अत्र कर्म प्रवचनीय युक्ते सप्तमी स्यात्। यहां कह रहे इस सूत्र में है, इस सूत्र में क्या है, कर्म प्रवचनीय से जो युक्त होता है उसमें क्या हो जाती है? सप्तमी हो जाती है। इसका शॉर्टकट मीनिंग दिया है, शॉर्टकट मीनिंग ही चाहिए इसका यहां पर। ठीक है, क्योंकि इसका जो विस्तार था वो तो पहले पढ़ाया दिया, ये कारक में चल रहा है सप्तमी व्यक्ति तो पहले पढ़ा दिया। कहते हैं कि अत्र माने यहां जो कर्म प्रवचनीय संज्ञा का यहां तो क्या है, ये कर्म प्रवचनीय संज्ञा वाला कोई भी शब्द वहां पर प्रयोग हो रहा है उससे युक्त, उससे संबंध है जिसका, उसमें क्या हो जाती है? सप्तमी। तो क्या है यहां पर उदाहरण दिया इन्होंने, उप परार्धे हरे गुणाह। ठीक है, ये उदाहरण दिया। यहां क्या है, उप, ये उप है आपका, उप की क्या हो जाती है, उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा है, उपोधिकेच। क्या है सूत्र है आपका, उपोधिकेच
तो उपोधके चसे क्या हो जाती है, कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है उप की। चलिए इसको भी अष्टाध्याय में मैं दिखला देता हूं, ये देखिएगा, ये उपोधके च माने उप की उप जो अधिक अर्थ में वर्तमान है अथवा च माने हीन अर्थ में वर्तमान है, तो क्या है उसकी क्या हो जाती है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है उप की। तो हीन अर्थ में और अधिक अर्थ में वर्तमान जो उप उप उपसर्ग है उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। ये कर्म प्रवचनीय पीछे से आ रहा है, ठीक है। तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई। अब हमने जो उदाहरण देख रहे थे आपका, चलिए दिखाता हूं मैं, ये उप परार्धे हरे गुणाह, तो हरे गुणाह ऐसा हो जाता है। उप की क्या है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा, ठीक है। और अधिक अर्थ में है, उपो अधिकेच से क्या अधिक अर्थ में है, तो वही इस सूत्र में कहा यस्मात अधिकम, यस्मात अधिकम माने जिससे अधिक, जिससे अधिक अर्थ गम्यमान हो रहा हो वहां पर कर्म प्रवचनीय का योग होने पर जिससे अधिकता गम्यमान होती है उसमें क्या हो जाती है, तत्र सप्तमी स्या, वहां पर सप्तमी हो जाती है उसमें। तो अब देखिएगा, ये परार्ध, परार्ध शब्द है, परार्ध शब्द होता है, ये एक बड़ी संख्या है, परार्ध, परार्ध सबसे बड़ी संख्या है, महाशंख को कह सकते हैं परार्ध। तो क्या है, कहते हैं परार्ध, परार्ध ये क्या है, उप है, ये क्या है अधिक अर्थ में, किसमें है, इसका पूरे का अर्थ है कि हरी परार्ध माने परार्ध गुणों से माने महाशंख माने असंख्य गुणों से भी अधिक हरी के गुण हैं, ठीक है। तो परार्ध माने असंख्य गुण, असंख्य से भी अधिक हरी के गुण हैं, वही आगे स्पष्ट किया, परार्धात अधिकाह अधिकाह इत्यर्थः, माने परार्ध माने असंख्य से भी अधिक गुण हैं हरि के, हरि के माने भगवान के। तो यहां पर अधिकता किससे, माने असंख्य शब्द से अधिकता दिखाई जा रही है हरि की। तो अब क्या है, जिससे यस्मात जिससे दिखाई जाती है उसमें तद्वाची शब्द में क्या हो जाती है सप्तमी, और अधिक अर्थ यहां पर है ही उप का, माने परार्ध से अधिक, अधिक अर्थ आ रहा है। तो यहां पर क्या हुई, परार्ध शब्द में इस सूत्र से तत्र सप्तमी माने सप्तमी व्यक्ति हो गई, ठीक है। तो ये उप परार्धे हरे गुणाह माने असंख्य गुणों से भी अधिक हरि के अंदर गुण हैं, इसका ये पूरे का ये भाव है। तो ये तो हुआ उप का। अब हमें इस सूत्र से जो इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई थी, ठीक है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा इससे हुई थी, इसका हमको आगे उदाहरण देना है, ठीक है। उप का तो हमने इसमें दे दिया, उप का अधिक में, और अब अधीश्वरे का हमें आगे देखना होगा। अभी देखते हैं क्या कहते हैं, अच्छा अभी और कहते हैं, अधि का भी दे रहे हैं, इसी से दे रहे हैं, कहते हैं ऐश्वर्य तो स्वस्वामिभ्याम पर्यायेण सप्तमी, कहते हैं जो ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य माने ईश्वरत्व, ईश्वरत्व माने स्वस्वामी का संबंध जहां पर हो वहां पर पर्याय से सप्तमी होती है, पर्याय से सप्तमी होती है, अर्थात एक बार स्ववाची शब्द में हो जाती है और एक बार स्वामीवाची शब्द में सप्तमी हो जाती है, जहां पर स्वस्वामी का संबंध भी आ रहा हो। तो जो ये हमने पहले सूत्र में पढ़ा था अधीश्वरे में, अधीश्वरे में जो ईश्वर शब्द वाले स्वस्वामी का संबंध, वहां पर पर्याय से अर्थात एक बार स्वामी में स्वामीवाची शब्द में, एक बार स्ववाची शब्द में। तो आइएगा अब अधिकी ऐश्वर्य अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा कही है। तो अब देखिएगा आधि भूवि रामः, आधि भूवि रामः का अर्थ है कि इस संसार में राम
राम व्याप्त है अर्थात ये संसार राम राम इनका स्वामी है, इस संसार का मन भू का मन इस लोक का क्या है स्वामी है। इस पूरे का अर्थ हिंदी में निकल करके आएगा, संस्कृत में आप सप्तमी का अर्थ मत लगाइएगा कि मैं अर्थ आएगा, मैं नहीं, यहां आएगा कि अधिकार अर्थ संबंध। तो क्या है राम जो राम है तो राम की क्या है जो संसार है वो राम राम संसार का स्वामी है। राम माने भगवान ईश्वर, भूलोक मन लोक का संपूर्ण लोक का स्वामी राम है। तो यहां पर क्या है स्वस्वामी का संबंध बोध हो रहा है। तो ये स्वबाजी शब्द में सप्तमी हो गई, ये स्व है, राम का स्व क्या है भू, ये संसार राम का है भगवान का है। और उल्टा उदाहरण देखिएगा आधि रामे भू अर्थात भगवान के अधीन क्या है यहां पर क्या है भगवान के अधीन ये पृथ्वी है अर्थात भगवान में ये भूलोक संसार भगवान में है। तो वही अर्थ आ गया। तो यहां अधि अधि माने यहां पर ये स्वामी वाची है, ये स्वामी है और ये स्व है भू, भू माने पृथ्वी। तो यहां पर क्या हुआ ये अधि है, अधि किसको बता रहा है स्व स्वामी संबंध को, किसके राम और भू के संबंध को। तो यहां पर तो स्व में सप्तमी हो गई, पर्याय से बताया पहले स्व में हो जाएगी फिर स्वामी वाची शब्द में हो जाएगी राम में। तो दोनों उदाहरणों का एक ही अर्थ बनेगा, ठीक है ध्यान देंगे एक ही अर्थ रहेगा। इसका अर्थ है चाहे आप ऐसे कहिएगा कि इस संसार के स्वामी राम है भगवान है, अथवा भगवान इस संसार का स्वामी है, कुछ भी कहिएगा अर्थ वही जात होगा, स्व स्वामी का संबंध ही यहां पर अब बोध होगा। आगे कहते हैं कि यदि इसका समास हो जाता है, इसका अधि के साथ में समास भी कहा गया है, अधि के साथ में समास कहा है, तो क्या है कहते सप्तमी शौंडई ही इति समास पक्षे तु रामाधीना भूहु, ये भू और लग जाएगा भूहु, ठीक है माने जब समास करेंगे अधि का तब अधि का समास क्या राम और अधि का समास कर देंगे तो उसका उदाहरण बनता है रामाधीना भू माने राम के अधीन भू। तो उसमें क्या करते हैं जब समास हो जाएगा तब ये सप्तमी आदि कुछ भी नहीं होगी। तो कहते हैं अषडक्षाशितम गुणम इत्यादि सूत्र है, उससे ख प्रत्यय होकर के ये रामाधीना सिद्ध होता है। तो यहां सिद्धि तो नहीं करेंगे, केवल यही आपको ध्यान रखना है कि जब असमस्त पद में ही स्व और स्वामी वाची शब्दों में पर्याय से सप्तमी हो जाएगी और जब समास हो जाएगा तो विभक्ति का लुप हो जाता है, ये सभी जानते हैं, ठीक है। तो ये बात बस इतना ही समझना है आपको। तो सप्तमी शौर्य प्रकरण से दिखा दिया है, अब आ जाइएगा अब एक है विभाषाक्री अंतिम सूत्र है कारक प्रकरण का, ठीक है 646 कारक प्रकरण का यह अंतिम सूत्र है विभाषाक्री, ये प्रथमा विभक्ति अब प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 98वां सूत्र है मित्रों। ये तो इसमें आप पदच्छेद देखेंगे तो सिंपल है, विभाषा एक है प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है और क्रीय ये सप्तमी व्यक्ति एक वचनांक है, क्रीय धातु का सप्तमी का बना दिया तो ये बन गया समास कुछ भी नहीं है। और इसके अंदर ऊपर से अनवृत्ति आती है अधि की, किसकी अनवृत्ति आती है अधि की अनवृत्ति आती है अधीश्वरे से, ठीक है अधि की अनवृत्ति आती है। और कर्म प्रवचनीया क्या कर्म प्रवचनीया इसकी अनवृत्ति आती है और निपाताह की अनुवृत्ति भी आती है, ठीक है इनकी अनुवृत्ति आती है इसके अंदर। इसके अंदर के
अब इसका क्या अर्थ करते हैं देखिएगा, अर्थ देखिएगा, कहते हैं अधिकारोतौ प्राक संयो वा स्यात् ईश्वरेर्थे। इसका है कि जो अधि उपसर्ग है उसकी करोतौ, माने करोतौ का अर्थ है क्री धातु का कोई भी रूप बाद में हो, माने क्री धातु बाद में रहने पर, क्यों धातु अकेली का प्रयोग तो नहीं होता, उसका रूप बन के कोई शब्द रूप बन करके या धातु रूप बन करके प्रयोग होगा, तो ऐसे माने क्री क्री पदांत क्री ऐसा कह सकते हैं, पदांत क्री के परे रहते, माने क्री धातु के परे रहते क्या है जो अधि उपसर्ग है उसकी प्राक संज्ञा, प्राक संज्ञा माने पहले जो संज्ञा कही है, कौन सी संज्ञा कही है, कर्म प्रवचन और निपात संज्ञा, तो निपात संज्ञा वाला वा माने विकल्प से स्यात माने होवे, कब ईश्वरे अर्थे माने स्वस्वामी संबंध के अर्थ में जब ये अधि हो तब अधि की कर्म प्रवचनी संज्ञा हो, तो विकल्प से होगी, जब नहीं होगी एक पक्ष में तो उस पक्ष में क्या हो जाती है फिर गति संज्ञा हो जाती है, जिस पक्ष में कर्म प्रवचनी संज्ञा नहीं होती है निपात संज्ञा नहीं होती है उस पक्ष में क्या हो जाती है गति संज्ञा हो जाती है। अब देखिएगा उदाहरण, देखिएगा इसका उदाहरण दिया इन्होंने, यदत्र माम अधिकरिष्यति विनियोक्षत्वे इत्यर्थः, यहां है यद अत्र जो अत्र माने यहां पर जो मुझको माम माने मुझको यत माने की यत माने यहां माम माने मुझको अधिकरिष्यति माने वो मेरे को यहां पर नियुक्त करेगा, वही कहा विनियोक्षते माने मेरा यहां पर मुझे लगाएगा, ये अर्थ है। अब हमको ये क्या देखना है, अर्थ नहीं देखना है इसमें, ये देखना है कि इसका प्रयोजन क्या है, प्रयोजन क्या है इसकी अधि की विकल्प करके क्या कर दिया हमने, कर्म प्रवचनीय कर्म प्रवचनीय संज्ञा, ठीक है क्या कर दी कर्म प्रवचनीय संज्ञा, कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने से गति संज्ञा का बाध हो गया, गति संज्ञा रुक गई, अब उसी को कहते हैं। अच्छा देखिएगा यहां पर उदाहरण में इहा माने इस उदाहरण में विनियोक्तो ईश्वरत्वं गम्यते माने यहां पर क्या है, कोई व्यक्ति है कोई मालिक है स्वामी है वो अपने को दूसरे किसी को वो कह रहा मुझको, तो मुझको माने मेरा स्वामी मेरे को, तो यहां स्वस्वामी का विनियोक्ता जो उसमें नियुक्त करने वाला है उसका ईश्वरत्व माने स्वामित्व का बोध हो रहा है यहां पर। माम शब्द से अभित शब्द तो स्व हो गया और उसको वहां पर लगाने वाला नियुक्त करने वाला जो है वो उसका स्वामी होगा, तो दोनों का यह संबंध प्रकट हो रहा है और अधि का प्रयोग हो रहा है, आप देख रहे होंगे अधि है, अधि के बाद में क्री धातु का रूप भी है करिष्यति, लिट लकार का रूप भी प्रयोग हो रहा है। अब यहां पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसकी विकल्प से कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी तो क्या लाभ मिलने वाला है, इसको आपको समझ लेना। वही आगे का अगतित्वात् तिनि चोदात्तवती इति निघातो न, ये वास्तव में स्वर की बात आ गई, स्वर की बात आ गई, स्वर का थोड़ा सा आपको बोध होना चाहिए, नहीं है कोई बात नहीं हम थोड़ा सा बताएंगे यहां पर। यहां क्या है ये उदाहरण है, ये क्या है ये उदाहरण है, चलिएगा मैं आपको पूरा उस पर दिखला देता हूं। देखिएगा ये उदाहरण है, इस यदत्र माम अधिकरिष्यति, यदत्र माम अधिकरिष्यति, ये आपका है कर्म प्रवचनीय संज्ञा, कर्म प्रवचनीय संज्ञा का उदाहरण, ठीक है। इसका अर्थ है कि यहां पर अधि की क्या है विकल्प करके क्या कर दिया हमने कर्म प्रवचनीय संज्ञा, कर्म प्रवचनीय संज्ञा से क्या हुआ इसकी गति संज्ञा रुक गई, क्या रुक गई गति संज्ञा का निघात हो गया, वो गति संज्ञा इसकी नहीं हुई, गति संज्ञा नहीं हुई इसकी तो क्या हुआ, अब ये स्वर संबंधी है, जो निपात होते हैं निपात
उपसर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, आदि उदात्त होते हैं। क्या है उपसर्ग, कैसे होते हैं, आदि उदात्त होते हैं, ठीक है। उपसर्ग आदि उदात्त होते हैं, और जो क्या है ये जो करिष्यति पद है, ये करिष्यति ये स्वर में क्या है, मध्य उदात्त है। उदात्त का चिन्ह मैंने गुणा का लगाया, एक क्रॉस का लगाया, इसका अर्थ है उदात्त, और उदात्त है, और उदात्त के बाद में जो होता है वो स्वरित होता है, और इससे उदात्त से पूर्व में अनुदात्त होते हैं। तो ये कैसा है, मध्य उदात्त एक क्रियापद है क्रि धातु का, मध्य उदात्त, और अधि समझिएगा थोड़ा कठिन हो सकता है यदि स्वर आपको नहीं मालूम है तो। अधि, अधि क्या होता है, आदि उदात्त बताया है, ये जो निपाता आदि उदात्ता भवंती, ये एक सूत्र है का निपात, ये इसकी निपात संज्ञा तो है, तो निपात कैसे होते हैं, आदि उदात्त होते हैं, तो निपात आदि उदात्त होते हैं, तो ये इसका उदात्त क्या है, ये है, और ये क्या है स्वरित, ये इनके दोनों के अपने अलग अलग स्वर हैं, परंतु जब इनको वाक्य में हम इकट्ठा करके प्रयोग करते हैं तो कुछ अंतर आता है, फिर कुछ इसमें स्वर में परिवर्तन आ जाता है। वो परिवर्तन क्या आता, उसी परिवर्तन के विषय में आचार्य भट्टू जी दीक्षित महाराज जी ने थोड़ा सा इशारा किया है अंत अंत में, ठीक है, अंत अंत में थोड़ा सा इशारा किया है। वो इशारा ये किया कि एक सूत्र है, मैं आपको बता देता हूं, पहले अष्टाध्याय में दिखला देता हूं तब आपको एकदम स्पष्ट होगा। ये सूत्र है आपका आठवें अध्याय में प्रथम पाद का सूत्र है, देखिएगा, तिंग तिंग क्या है, तिंग अतिंग ऐसा है इसका। तिंग आप जानते ही हैं जो 18 प्रत्यय हैं, और अतिंग माने तिंग से भिन्न, माने सुवंत हो गया। तो क्या है, यदि अतिंग, अतिंग माने कोई सुवंत प्राप्त शब्द है पूर्व में, उसके बाद में यदि तिगंत कोई शब्द आता है तो उसको क्या हो जाता है, सर्वानुदात्त हो जाता है, ठीक है, सर्वानुदात्त हो जाता है उसको, अर्थात उसके उदात्त आदि हट जाते हैं। तो ये तिंग तिंगा के क्या कर दिया, ये अतिंग से उत्तर तिंग को क्या हो जाता है, सर्वानुदात्त हो जाता है, अर्थात उसको निघात हो जाता है। निघात माने उसके सभी अक्षरों को, सभी स्वरों को अनुदात्त कर देते हैं। अब आप यहां देखेंगे कि ये जो मैं आपको बता रहा था, ये यहां पर क्या है, ये क्या है, अतिंग है, ये अतिंग है, और ये क्या है, तिंग है। तो उस सूत्र से तिंग तिंगा से इसको क्या है, इसके सारे स्वर हट रहे थे, इसके सारे स्वर हट जाने चाहिए, ये उदात्त हट जाएगा और अनुदात्त भी हट जाएगा, ठीक है, ऐसा अनुदात्त होना चाहिए, ठीक है, ये और इसका अपना जो स्वर है वो बना रहेगा, ठीक है, और फिर इसके बाद में एक श्रुति भी हो जाती है, वो आगे की बात है। माने अतिंग से उत्तर ही अतिंग है, अतिंग से उत्तर यदि वाक्य में कहीं तिंग अंत पद होगा तो उसको सर्वानुदात्त हो जाता है। अब सर्वानुदात्त तो उसका भी एक अपवाद सूत्र और है उसके नीचे, उसके नीचे अपवाद सूत्र है कि ये देखिएगा कि निपातैर यद यदि हंत आदि सूत्र है, निपातैर यद यदि हंत कुविन नेच्चे चण कच्चद्यत्र युक्तम, ये कहता है कि निपात, ये निपात है सारे, यद है और यदि है, ये आदि, यदि इन निपातों से युक्त आपका तिंग है, माने वाक्य के अंदर उस अतिंग से उत्तर तिंग प्रयोग हो रहा है, और उसी वाक्य में यदि कोई निपात भी पड़ा हुआ है तो क्या है, फिर ये अतिंग से उत्तर तिंग को सर्वानुदात्त नहीं होता है, अर्थात निघात नहीं होता है। अब देखिएगा यहां पर क्या आप देखेंगे, ये यद है, ये क्या है, निपात है, क्या है, निपात है, ये आपको ये वहां पर देखेंगे चालीगढ़ में पड़ा हुआ है, निपात है। तो ये निपात होने के कारण से ये करिष्यति, ये जो तिंग है ये निपात से युक्त है, तो
इसका तिंग तिंग से सर्वानुदात्त प्राप्त हो रहा था वो रुक गया। क्या है? रुक गया जी। अब सर्वानुदात्त नहीं होगा, अब इसका जो अपना स्वर है वही होगा, ये ऐसा होगा। ठीक है, तो अब ये हो गया, यहां तक आपको मैंने समझा दिया, ये लगने लगा। अब एक सूत्र और है, तिनी चोदात्तवती सूत्र है एक, जिसका उन्होंने इशारा किया है, तिनी चोदात्तवती। तो आइएगा उसको भी दिखला देता हूं मैं आपको, अष्टाध्यायी पहले, क्योंकि अष्टाध्यायी के सूत्र ही है, उनसे ही सारे काम होते हैं। ये सूत्र है तिनी चोदात्तवती। ये तिनी चोदात्तवती कहता है कि उदात्तवान तिंग के परे रहते जो पूर्व में गति होती है उसको क्या हो जाता है, क्या है? उसको सर्व जो निघात का निषेध किया था वो नहीं होता है। ठीक है, अर्थात गति, ये गति संज्ञा पक्ष का है। ठीक है, गति संज्ञा तिनी चोदात्तवती नित्यम, अर्थात जो उदात्तवान तिंगंत के परे रहते पूर्व को जो गति संज्ञा है उसको निघात हो जाता है, अर्थात उसका जो निषेध प्राप्त था, जो निपात यदि यदि आदि हंत कुविन निचिषण, उस सूत्र से निषेध प्राप्त था। कौन से सूत्र से? इससे, इससे तो वो निषेध रुक जाता है, अर्थात तिंग तिंगा लग जाता है गति पक्ष में। तो गति यहां संज्ञा को रोक दिया है, गति संज्ञा को रोक दिया है, यही कहा कि अब देखिएगा यहां पर इसकी गति संज्ञा नहीं है, गति संज्ञा नहीं है, इसलिए तिंगी चोदात्तवती सूत्र अब यहां पर नहीं लगेगा। तिंगी चोदात्तवती यदि कब लगता है? जब इसकी गति संज्ञा होती है। गति संज्ञा वाला पक्ष ये वाला है, नीचे वाला। तो और ये कर्म प्रवचनी संज्ञा का, कर्म प्रवचनी संज्ञा का, तो गति संज्ञा न होने के कारण से तिनी चोदात्तवती सूत्र नहीं लगा, उसने अधि को सर्वानुदात्त नहीं होने दिया। ठीक है, नहीं कर सका वो, तो क्या होगा? फिर इनका अपना अपना स्वर रहेगा। अधि मैंने बता दिया था, अधि अधि कैसा रहता है? निपाता आदि उदात्ता भवंती, निपात आदि उदात्त होते हैं, तो आदि उदात्त है ये उदात्त है, और उदात्त के बाद में क्या है? ये स्वरित होता है, उदात्तानुदात्त से स्वरिता स्वरित हो जाता है, और फिर करिष्यति, करिष्यति का अपना स्वर मध्य उदात्त है, उदात्त है, और ये पूर्व के अनुदात्त है, और ये उदात्तानुदात्त से स्वरिता, ये स्वरित है। ठीक है, अब आपको क्या समझना है? अब जो आचार्य भट्टोजी दीक्षित महाराज जी बात क्या कहते हैं उसको और देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा जटिल विषय था। कहते हैं इस सूत्र से क्या हुआ, अगतित्वात् माने गति संज्ञा को रोक देने के कारण से कर्म प्रवचनी संज्ञा कर दी, तो क्या तिनी चोदात्तवती इति निघातो न, माने गति संज्ञा नहीं हुई है, गति संज्ञा हो जाती तो इससे क्या है, अधि जो अधि है ये इसको सर्वानुदात्त हो जाता, माने अधि को अधि के दोनों अनुदात्त हो जाते, परंतु गति संज्ञा नहीं हुई है इसलिए सूत्र नहीं लगा तो क्या लगा, फिर अपना अपना स्वर रहेगा इनका। ठीक है, तो अपना अपना स्वर रहेगा, तो अधि का स्वर क्या है? अधि का स्वर है आपका आदि उदात्त, निपाता आदि उदात्ता भवंती, और उदात्त के बाद स्वरित है। ऐसे करिष्यति का अपना स्वर है, ये उदात्त है इसका श्य, और ये अनुदात्त है, इसके अनुदात्त के ऐसे चिन्ह लगाते हैं और ये स्वरित है, और ये उदात्त है और ये अनुदात्त है, वो ये स्वरित है। ठीक है, तो ये इसका यहाँ प्रयोजन घटा दिया, इति सप्तमी विभक्ति ही, ये सप्तमी विभक्ति का पूरा प्रकरण आपका समाप्त हो गया। ठीक है, चलिएगा, आपको ये पूरा समझ में आना चाहिए। यहां पर ये मैंने आपको दोनों पक्ष के दिखा दिए, यहां पर वो आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने बात नहीं कही थी, पर मैंने आपको यहाँ दोनों उदाहरण दिखा दिए, ये तो यहाँ कर्म प्रवचनी संज्ञा पक्ष का है, और ये है आपका गति संज्ञा पक्ष का। गति संज्ञा पक्ष में क्या है, तिनी चोदात्तवती नित्यम से इस अधि की, क्या अधि को क्या हो जाएगा, सर्व निघात हो जाएगा,
सर्वानुदात हो जाएगा, तो फिर इसका ये अपना स्वर रहेगा उदात, ठीक है। तो दो प्रकार का विकल्प है, तो विकल्प माने जिस पक्ष में कर्म प्रवृत्ति संज्ञा है उसमें तो ये स्वर रहेगा, और जिस पक्ष में कर्म प्रवृत्ति संज्ञा नहीं है गति संज्ञा है उस वाले पक्ष में ये स्वर रहेगा, ठीक है। और विशेष बात हम स्वर के प्रकरण में आपको पढ़ाएंगे, स्वर का भी हम एक कोर्स बना देंगे आपके लिए, इसमें सभी स्वरों की बातें आ जाएंगी आपके लिए। तो मित्रों ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया है कारक प्रकरण। कारक प्रकरण आज तक ये जितना भी था इस वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का मैंने विस्तार से पढ़ाया है, पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। परंतु इस कारक प्रकरण को पढ़ने के लिए आपको सामान्य संस्कृत अथवा लघु सिद्धांत कौमुदी के कुछ प्रकरणों का ज्ञान होना परम आवश्यक है, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि आप एकदम संस्कृत से अनोने और एकदम कारक प्रकरण पढ़ना चालू कर दें, आपके सिर से ऊपर ऊपर चला जाएगा सब कुछ। इसलिए संस्कृत का ज्ञान होना, भाषा का ज्ञान होना परम आवश्यक है, और लघु सिद्धांत तथा व्याकरण का ज्ञान भी होना थोड़ा आवश्यक है। थोड़ा आपको जो नव्य न्याय की भाषा का भी ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि ये ग्रंथ लिखे गए हैं नव्य भाषा, नव्य न्याय की भाषा से युक्त लिखे गए हैं, तो इनका आप ज्ञान पहले है तो आप इस कारक प्रकरण को अवश्य पढ़िएगा। और यदि ज्ञानवर्धन के लिए आप सोचते हैं कि नहीं हम पढ़ लेते हैं कुछ तो आएगा समझ में, तो वास्तव में आएगा, 100% नहीं आएगा परंतु 40-50% तो आ ही जाएगा, तो भी आप इस कोर्स का लाभ ले सकते हैं। तो चलिएगा मित्रों, इस वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के कोर्स को मैंने कारक प्रकरण को तैयार कर दिया है, संपूर्ण संसार में इस कारक प्रकरण को अब लोग अपने घर पर बैठे बैठे आराम से पढ़ सकते हैं, अब कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, ई गुरुकुल आपके घर पर ही आ चुका है। चलिए मित्रों इस कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं और आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।